आज डीपीएस में इन्वेस्टिचर सेरेमनी और कॉफ़ी विथ मदर का आयोजन था। यह एक अनूठा प्रयोग है कि माताओं को सम्मान दिया गया और माताओं के साथ सीधे सीधे संवाद किया गया, क्योंकि किसी भी बच्चे की प्रथम पाठशाला माँ होती है, इसलिए माताओं से संवाद का यह एक अभिनव प्रयोग है और उसी पर आधारित स्किट भी दिखाए गए। यहाँ बच्चों के नए कैबिनेट का गठन हुआ और अच्छा लगा देख करके कि बहुत छुटपन से ही बच्चे अपनी जिम्मेदारियों को पहचानना सीख रहे हैं। तो ये डीपीएस जैसे स्कूल ही इस चीज़ को करते हैं और इसके लिए मैं स्कूल को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि आप ऐसे ही निरंतर बच्चों में सिंसेरिटी, डेडिकेशन, डिसिप्लिन और साथ साथ लीडरशिप के गुण इनकल्केट करते रहें। मैम, आप अपने संबोधन में मोबाइल के विषय में यहाँ के माँ के बीच संवाद रखा, वो कितना जो है मोबाइल बच्चों के लिए आजकल हानिकारक हो रहा है? देखिए, मैंने बचपन से भी पढ़ा है कि साइंस इज़ ऑलवेज अ गुड सर्वेंट बट ऑलवेज़ अ बैड मास्टर। तो जब आप साइंस से अपने छोटे छोटे काम लेते हैं ऐसे इक्विपमेंट से, तो ये आपके लिए लाभदायक है, लेकिन जब आप इसकी जद में आ जाते हैं, इसका नशा हो जाता है आपको, तो इट्स अ बैड मास्टर। मोबाइल पढ़ने के लिए, नई जानकारी के लिए अच्छा है और इसका उपयोग सीमित होना चाहिए। हमें कोई चीज़ मीठा है तो हम पूरे दिन मीठा नहीं खा सकते, तो मोबाइल के लिए बच्चों के लिए एक समय निश्चित करना ज़रूरी है, एक घंटा सुबह में या आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम। और ये गार्जियंस को भी देखना होगा, पहले उनकी यह जिम्मेदारी होती है कि वह बच्चों को मोबाइल का लती ना बनाए। आज यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन सेरेमनी अलंकरण समारोह था जो नए कैबिनेट मेंबर्स हैं और उनका, और जो ये इसलिए भी अभी कर दिया जाता है ताकि जो बच्चे हैं, जो अभी प्रेजेंट कैबिनेट मेंबर्स हैं, उनके सानिध्य में रह के वो सीख सकें कि कैसे कैबिनेट वर्क करता है, उनका क्या क्या कार्य है। तो उसके साथ में आज हमने मदर्स के लिए स्पेशल एक समझे तो कि ठीक ही कहा है कि कॉफ़ी विद करण के तर्ज पे रखा है कॉफ़ी विद मदर्स। हम उनके साथ अपनी मन की बातें या उनको आगे उनके बच्चे के लिए भविष्य में क्या ज़रूरी है, क्या है ना, क्योंकि अभी जनरेशन चेंज हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल रही हैं। इस चेंज को क्या है, कभी कभी हम स्ट्रिक्ट होने के चक्कर में उसको वो चीज़ करने से रोक देते हैं जिससे हम सच में रोक रहे हैं, हमें लगता है, पर वो रुका नहीं है, उसको कहीं ना कहीं और से मिल रहा है। तो ये इस चीज़ों को कि हमको कितनी लिमिट्स में उसको ढील देनी है और कहाँ उसको है ना स्ट्रिक्ट होना है, वो हमने पेरेंट्स के बीच बैठे, हम पेरेंट्स के साथ उसको साझा किए कि कैसे आगे हमें क्या करना है। दिल्ली पब्लिक स्कूल की स्थापना जब 2016 में हुई, उसके बाद भी निरंतर कुछ ना कुछ नया बच्चों के विकास के लिए या फिर उनके पेरेंट्स के साथ उन बच्चों का विकास कैसे हो, कभी पापा के साथ, कभी मम्मी के साथ, कभी ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, ऐसा मीटिंग आयोजन कर उन बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए हम लोग कुछ ना कुछ करते रहे। इसी क्रम में आज दो चीज़ें थी, एक तो हमारा जो कैबिनेट स्कूल, जो पूरे स्कूल के सिस्टम को जो कैबिनेट देखती है, उसका पिछले दिनों इलेक्शन हुआ था और इलेक्शन करके चुनाव हुआ था, ये प्रत्येक साल होता है, तो उसका एक होता है ना ये चार्ज देना, उसको इन्वेस्टिगेशन सेरेमनी के रूप में मनाया गया, जिसमें पिछले पहले का जो कैबिनेट है, वो जो नया कैबिनेट बना है, उनको अपना पूरी तरह से वो चार्ज दे करके, और अभी से जब सेशन स्टार्ट होगा तब तक जो नया कैबिनेट है वो पुराने कैबिनेट के साथ रह करके सीखने का प्रयास करेंगे। उससे है क्या कि एक उन बच्चों में एक नया एनर्जी आना है। दूसरा कि फिर मदर्स के साथ बैठ करके एक नया प्लान, फिर मम्मी का क्या कर्तव्य अपने बच्चों के प्रति होता है और बच्चे का क्या कर्तव्य अपने पेरेंट्स के लिए है, इन सारी बातों पर चर्चाएं हुई और निरंतर डीपीएस कुछ न कुछ इसी प्रकार नया करता रहेगा अपने बच्चों के भविष्य के सफलता के लिए, और आने वाले दिन में इससे भी बेहतर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। आज हमारे स्कूल में एक सेरेमनी, इन्वेस्टिचर सेरेमनी का आयोजन था। एक्चुअली ये आयोजन जो है सभी विद्यालयों में होना चाहिए,
और जैसा कि हम लोग एज अ DPS फैकल्टी, एज अ DPS फैमिली, वी आर अनाउंसिंग कि हम बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए काम करते हैं। तो एजुकेशन का एक पार्ट है इन्वेस्टिचर सेरेमनी। इन दिस इन्वेस्टिचर सेरेमनी स्टूडेंट्स को हम एक ड्यूटी देते हैं, उनको नेतृत्व की भावना कैसे उनके भीतर जगाई जाए, बस इसी पे का एक छोटा सा ये प्रयास है। उन्हें एक ड्यूटी दी जाती है कि वो किस तरीके से बच्चों के बीच में रह करके बच्चों और मैनेजमेंट, टीचर्स, प्रिंसिपल, हम सभी के बीच की एक कड़ी होते हैं ये बच्चे, और किस तरीके से सुचारू रूप से बच्चों के अंदर का जो उनकी रचनात्मकता है, क्रियात्मकता, उनको बाहर निकाला जा सके, इस बात को ध्यान में रखते हुए ये एक आयोजन किया जाता है। इट्स अ ग्रेट प्लेजर मोमेंट फॉर मी टू अटेंड दिस इन्वेस्टिचर सेरेमनी इन द दिल्ली पब्लिक स्कूल कंटी मुजफ्फरपुर बिहार। आई वॉज बेसिकली फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट इम्फाल मणिपुर। आई हैड बीन वर्किंग एज ए प्रिंसिपल इन सेवरल स्प्रॉलिंग दिल्ली पब्लिक स्कूल द्वारका, इंदौर, मध्य प्रदेश एंड रोहतक हरियाणा। Now I have been decided to work here in the Delhi Public School County as the principals in the near futures. It's why today's programs very aspiringly and enthusiastic and fantastic way arranged by the entire team of the faculty members of this institute of the Delhi Public School County. I would like to give credits to the supreme boss Mr. Ajay and his family members for making today's occasions a grand finale. I also appreciate and thanks to all the entire members, stakeholders and the others related, parents, guardians, spectators and especially the kids whose presentations that makes one of the awesome events for today's program to be one of the magnificence in the future. I brightly say that this school will be one of the magnificent as well as the flourish Delhi Public School as compared to the other schools sprawlingly inhabited in Delhi and other metro cities. I hope with my cooperations and associations with the members of this school authority would like to make this school to be one of the biggest as well as gigantic public school in this county area. Thank you. और दबाएं बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।